तो ये प्लस साइज में अवेलेबल है, मैंने बाय किया है 4XL साइज क्योंकि मेरा साइज है 4XL। तो राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम रितु एंड यू आर वाचिंग रितु हांडा। तो कैसे हो आप सब, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मेरे थंबनेल से आपको पता लग गया होगा मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ। तो मैं करने वाली हूँ आपका और मेरा फेवरेट मीशो हॉल। तो गाइस आज मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए चुन चुन कर लेकर आई हूँ, जो जैसा है वैसा ही मैं आपको बताऊंगी। मेरे रिव्यूज एकदम ऑनेस्ट होते हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता है, क्योंकि ये कुछ मुझे स्पॉन्सर नहीं आता, मैं खुद से बाय करती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो गाइस जैसे आगे भी आपके लिए मैं मीशो के अच्छे अच्छे हॉल्स लाती रहती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं और काफी अच्छे भी होते हैं। तो आज भी ऐसा हॉल मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अगर चैनल पे न्यू हो तो। अगर तो आप मेरे चैनल पे पहले से हो तो प्लीज चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दो, हमेशा वीडियो को शेयर करा करो और उस पर कमेंट भी जरूर करा करो गाइस। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं क्या बाय किया है मैंने आज आप लोगों के लिए। हम स्टार्ट करते हैं, उसका ना कलर बहुत ज्यादा प्यारा है। तो गाइस जैसा मैंने वहां पर देखा था ना कलर, मैंने इस ड्रेस को बाय किया था, ये एक गाउन ड्रेस है, इसको आप एज ए ट्यूनिक भी डाल वेयर कर सकते हो, अगर आप इसको अनारकली सूट टाइप वेयर करना चाहते हो तब भी आप इसको वेयर कर सकते हो, आप इसके साथ प्लाजो व्हाइट प्लाजो या व्हाइट दुपट्टा लेकर इसकी लुक भी चेंज कर सकते हो गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका कलर जो है वो माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग गाइस, बहुत प्यारा कलर है। जैसा वहां पर मैंने देखा था वैसा सेम टू सेम मुझे रिसीव हुआ है, कलर बहुत अच्छा है गाइस। तो ये है इस टाइप का गाउन ड्रेस है ये, आप इसको एज ए ड्रेस भी यूज कर सकते हो, ऐसे अनारकली सूट भी यूज कर सकते हो, दोनों वे से आप इसको यूज कर सकते हो। तो गाइस इसका जो ऊपर वाला डिजाइन है ना, ऊपर वाला चोली वाला डिजाइन है, बहुत ज्यादा प्यारा है। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और उसके बाद इसका प्रिंट गाइस बहुत प्यारा है, और ये वैसे भी कलर है ना बहुत प्यारा लगता है जब हम वेयर करते हैं। तो मैंने तो सोच भी लिया जब इसको वेयर करूंगी ना, इसको मैं ब्लैक मेटल की ज्वेलरी के साथ वेयर करूंगी, क्योंकि ये कलर जो है ना रॉयल ब्लू कलर जो है ना वो ब्लैक मेटल की ज्वेलरी के साथ बहुत अच्छा जाता है। तो गाइस ये है हमारा गाउन, और इसके मतलब यहाँ पर चुनट्स दिए गए हैं। तो ये प्लस साइज में अवेलेबल है, मैंने बाय किया है 4XL साइज क्योंकि मेरा साइज है 4XL। तो ये 5-6XL तक वहां पर अवेलेबल है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो गाइस आपको जरूर करना चाहिए। मैं पहले ही आपको बता देती हूँ क्योंकि इसका फैब्रिक है रेयॉन का, कॉटन का फैब्रिक है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत अच्छी क्वालिटी की रेयॉन है। तो गाइस ये है इसकी स्लीव्स, इस टाइप से प्लेन स्लीव्स दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पर है चुनट, आगे भी चुनट आ रहे हैं और पीछे भी इसके चुनट आ रहे हैं। इसकी लेंथ बहुत अच्छी है क्योंकि मेरी लेंथ है, जैसे मेरी हाइट है 5'9", तो गाइस उस हिसाब से मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी आई है, बहुत प्यारी लगी है। तो अगर आप भी इसको बाय करना चाहते हो तो आपको जरूर करना चाहिए। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, इसका लुक बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा है। तो इतनी प्रेज कर दिया है मैंने इस ड्रेस की, तो आप समझ गए होंगे कि ये ड्रेस बहुत बढ़िया है और मुझे काफी पसंद आई है। कॉटन का फैब्रिक है, समर्स के लिए बेस्ट रहने वाली है, ऑफिस ईयर में मार्केट प्लेस में हर जगह आपके काम आएगी, बहुत ज्यादा लाइट वेट है और फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है। तो ये रही हमारी फर्स्ट ड्रेस, और इसका घेरा भी गाइस काफी अच्छा है, मतलब ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी आई है, बहुत प्यारी आई है। साइड पर मेरी वीडियो चल रही है, आप देख रहे हो, आपको पता लग गया होगा कि कैसी लग रही है ये ड्रेस मुझ पर और आप पर कैसी लगेगी। तो ये रही हमारी फर्स्ट ड्रेस, और उसके बाद सेकंड जो मैंने बाय किया है वहां से, तो ये 3-piece सूट है जिसमें एक सूट है और एक दुपट्टा है, और उसके साथ में ये इसका प्लाजो है और उसके साथ है एक दुपट्टा। ये 3-piece सूट है, फुल सूट है और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, 3-piece हमें बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, ओनली 500 कुछ का ये मैंने बाय किया है। तो गाइस ये है हमारा सूट, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा सूट, और सबसे अच्छी बात की प्लस साइज अवेलेबल है, 5-6XL तक के लोग इसको बाय कर सकते हैं। प्रिंट इसका बहुत अच्छा है, कॉटन का फैब्रिक है, और गाइस इसका प्रिंट के साथ साथ ना इसका जो डिजाइन है ना, डिजाइन भी बहुत अच्छा है। गाइस इस टाइप के मुझे मतलब ड्रेसेस ज्यादा पहननी अच्छी लगती है, जिससे कि आपका जो टमी एरिया है वो कवर रहे। तो ये गाइस जो इसका ये है तो सूट, लेकिन इसका जो स्टाइल है ना, इसके साइड पर इस टाइप की चुनर पड़े हैं, दोनों साइड पर, पीछे आगे
और दोनों साइड पर ही इस टाइप के चुन्नट है जो कि यहाँ से मतलब काफी इसको लूज ही फिटिंग दे देते हैं और फिटिंग बहुत प्यारी आई है गाइस, इसकी बहुत अच्छी फिटिंग आई है। स्टाइल इसका बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल स्टाइल है और काफी कंफर्टेबल भी है ये, मेरे लिए भी काफी कंफर्टेबल है और मुझे पता है कि आपके लिए भी काफी कंफर्टेबल रहेगा। और ये है इसकी स्लीव पे इस टाइप की मतलब कपड़ा ही लगा हुआ है। इसकी लेंथ भी काफी अच्छी है, मतलब पूरा प्रॉपर सूट काफी प्यारा लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें कॉटन में ना हल्का सा आई थिंक कॉटन है या हल्का सा ना इसमें कुछ मिक्सिंग सा फैब्रिक है, ये कॉटन का है और समर्स में ये चल जाएगा, काफी अच्छा लग रहा है। और वाइट प्रिंट है, ऐसे सूट तो वैसे ही बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं गाइस, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये सूट, तो मुझे तो ये काफी अच्छा लग रहा है। साइज बहुत अच्छा आया है, तो साइज इसका काफी अच्छा है और इसका जो दुपट्टे की लेंथ है ना गाइस वो भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते, ये देखो दुपट्टा इसकी जो लेंथ है ना दुपट्टे की बहुत खुली लेंथ है, इस टाइप का दुपट्टा है इसका और लेंथ काफी प्यारी है, काफी अच्छी लेंथ है इसकी। और इसके साथ आपको प्लाजो नहीं दिया गया, जो मतलब प्लेट्स वाली जो अफगानी सलवार होती है ना वो दी गई है, तो गाइस मतलब बहुत कंफर्टेबल है, बहुत खुली है, ऐसा नहीं है कि सूट अगर 5XL का है तो मतलब इसको प्लाजो को वेयर करने में आपको डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि गाइस इसका साइज भी बहुत बड़ा है, इसको सलवार की शेप दी गई है, इस टाइप की प्लाजो सलवार है, इस टाइप की अफगानी सलवार है, तो इस टाइप की चुन्नट्स वाली ये अफगानी सलवार है, ट्यूलिप सलवार भी इसको शायद बोल सकते हैं। तो गाइस ये है हमारी सलवार जो कि काफी खुली है, काफी बड़ा साइज है, बाय करना चाहते हो कर लो, बहुत अच्छा है, फैब्रिक भी काफी अच्छा है और सबसे अच्छी बात की बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और मुझे काफी अच्छा लगा है। और मैंने इसको वेयर किया था तो काफी प्यारा लग रहा था, काफी प्यारा है, कॉटन का है, आपके समर्स में बहुत काम आने वाला है और ऐसे कलर्स वैसे भी आपको पता है कि समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं, तो और इसका स्टाइल भी बहुत अच्छा है, वैसे काफी प्यारा है। तो गाइस ये रहा हमारा 3-पीस सूट, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, जो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो गाइस इसका साइज है 4XL, मेरा साइज है 4XL, मैं जो भी वेयर करती हूँ 4XL में वेयर करती हूँ, और उसके साथ जो भी प्राइस है वो मेरी स्क्रीन में मेंशन होते होंगे, जो इनके कोड्स है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इनके कोड्स देखकर मीशो से बाय कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मैं इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाती हूँ। और मुझे कमेंट में बता दिया करो या कुछ एप्रिसिएशन ही दे दिया करो कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी जरूर करो। तो गाइज उसके बाद मैंने ये जिम वालों के लिए बाय की है टी शर्ट, जिम वाले क्या जो भी समर्स में टी शर्ट बाय करना चाहते हैं ना तो ये टी शर्ट तो जरूर गाइस बाय करना बनती है। तो गाइस पता क्या होता है, जो चीज अच्छी होती है ना वो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हाँ भाई इसको बाय करना बनता है, क्योंकि मैंने इसको ट्राई कर रखा है, मैं इसको डाल के पहले देख लेती हूँ, इसकी फिटिंग फैब्रिक सबको चेक कर लेती हूँ और जब मेरे हाथ में जो आता है ना फिर मैं सीधा बोल देती हूँ हाँ भाई इसको बाय कर लेना। अगर आप समर्स में टी शर्ट बाय करने की सोच रहे हैं, क्योंकि घर में क्या होता है लोअर और टी शर्ट सबसे कंफर्टेबल है, अगर आप जिम में जाते हो तो टी शर्ट आपको चाहिए होती है, तो अगर टी शर्ट बाय करना चाहते हो तो इसको जरूर बाय करो, बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्ट्रेच बहुत अच्छा है, मतलब वैसे वाला स्ट्रेच नहीं है कि आपको जकड़ देगा, वैसे वाला बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं है, बहुत अच्छा स्ट्रेच है। और सबसे अच्छी बात की 5XL तक साइज वहां पर अवेलेबल है, तो मेरा साइज है 4XL, मैंने बाय किया है 4XL में, तो गाइस साइज आप देख सकते हो कितना अच्छा है, साइज बहुत अच्छा है, फिटिंग बहुत अच्छी है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, सॉफ्ट फैब्रिक है, कॉटन का फैब्रिक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। और इसको आप बाय करोगे ना तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होगे गाइस, अगर आप जिम जाते हो तब भी बाय करो, अगर आप वैसे टी शर्ट बाय करने की सोच रहे हो तो इस ब्रांड की टी शर्ट को जरूर बाय करना। इसके और भी कलर्स है, जो भी कलर आपको पसंद आता है वहां जाकर इसको एक बार ट्राई करके देखना, मेरे कहने पर याद रखोगे। तो गाइस बस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।